नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ स्टेशन। अब बात करते हैं सत्ता की। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव से पहले शिवसेना ने अपने विधायकों को पूर्वोत्तर मुंबई के पवई में एक लग्जरी होटल में ले जाने का फैसला किया। पार्टी के एक नेता ने शुक्रवार को कहा है कि पिछले हफ्ते राज्यसभा चुनाव में भाजपा से पिछड़ने के बाद महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेताओं में एमएलसी चुनाव के लिए सतर्क रहने का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए का नेतृत्व करने वाली पार्टी ने अपने विधायकों को शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के लिए शुक्रवार को बुलाया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के दो दो प्रत्याशी। बैठक में शामिल पार्टी के एक विधायक ने न्यूज चैनल एनडीटीवी से कहा कि हमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संबोधित किया और इस चुनाव में साथ रहने को कहा है। एक अन्य पार्टी नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि सभी विधायक होटल रेनेसा में रुकेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी मुकाबला राज्यसभा चुनाव की तरह ही करीबी होने की उम्मीद है, क्योंकि 10 खाली सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवसेना ने 2019 में पार्टी में शामिल हुए पूर्व राकंपा नेता सचिन अहीर और आदिवासी नेता आशमा पडवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये पवार साहब इतने बड़े नेता है, इस देश के जो विरोधी दलों की जो राजनीति है उसके भीष्म पितामह है। अगर पवार साहब ये चुनाव लड़ने के लिए हाँ गए थे तो इस चुनाव को एक बहुत बड़ा आयाम मिल जाता, प्रतिष्ठा मिल जाती। लेकिन पवार साहब ने कुछ कारणों से कहा है कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ। अगर कोई दूसरा उनके बराबरी का, उनके कद का उम्मीदवार आज हमारे सामने अगर कोई दिखता है तो उनको खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सर्वसहमति के नाम पर कोई भी नहीं चलेगा। सरकार ने स्कीम भी निकाली, अग्निपथ स्कीम, उसके विरोध। और दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से भी इस देश के सभी प्रमुख नेता, चाहे विरोधी दल हो चाहे, सबसे एक डायलॉग शुरू किया है राष्ट्रपति पद के इलेक्शन के लिए। उसमें उद्धव ठाकरे साहब भी है, अर्थात ममता बनर्जी भी उद्धव जी से संपर्क में है। उसे अगर कोई अच्छा नेता सामने आता है जो देश को मान्य हो तो उस पर चर्चा हो जाएगी। वरिष्ठ नेत्यांचा फोन गेल्याची माहिती आहे, पुढापुढीचं राजकारण बघा, ते आपापला पक्ष आपापल्या आमदारांची काळजी घेईल आणि ती घ्यावी। सस्पेन्स अजून कायम आहे सर। भाजपाने 5 उमेदवार प्रवीण देवकर, प्रसाद लड, पूर्व मंत्री राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय और उमा खापरे को नामित किया है। एमवीए के दूसरे सबसे बड़े घटक दल एनसीपी के ने परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाइक निकाम्बर और पूर्व भाजपा के नेता एकनाथ खड़से को अपना उम्मीदवार नामित किया, जो 2020 में शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए थे। चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल 288 सदस्यों वाली विधानसभा के सदस्य हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के 285 सदस्य ही वोट डालेंगे। शिवसेना विधायक रमेश लटके की मृत्यु के कारण निचले सदन की ताकत 1 से कम हो गई है, जबकि एनसीपी विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो अलग अलग मामलों में जेल में हैं, वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोट ना देने की अनुमति नहीं दी। बहुजन विकास अघाड़ी विधायक क्षितिज ठाकुर बीमार रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गए हैं। इसी तरह 288 विधायकों का निर्वाचक मंडल 285 का रह जाता है। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास 25 विधायक हैं। पहली वीरता के वोटों का कोटा 26 है और मतदान गुप्त होगा। विपक्षी भाजपा के पास 106 विधायक, शिवसेना के 55, राकंपा के 52 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। भाजपा ने खड़ा किया एक अतिरिक्त उम्मीदवार। बंगाल से भी भयानक स्थिति, अराजकता की स्थिति, और अराजकता की स्थिति सरकार के प्रश्रय से सरकारी पक्ष द्वारा की जा रही है, ऐसा महाराष्ट्र ने कभी आज तक देखा नहीं है। एक के बाद में एक 8 घटनाएं अभी आपके सामने रखी गई और 8 घटनाओं के अंदर दोषियों को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह आने वाले समय के अंदर मुंबई को, महाराष्ट्र को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, और हम जो कह रहे हैं, हम जो लोगों को बता रहे हैं, वो लोगों के हित की बात बता रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका में लोगों द्वारा सरकारी टैक्स में भरा हुआ पैसा यदि दुरुपयोग में होता है, वो आवाज माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी विधानसभा में उठाते हैं, उसी आवाज को हम पोल खोल के माध्यम से मुंबई की जनता को बता रहे हैं। यह कानून सम्मत कार्य है, हमारी राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमारी जिम्मेदारी है। इस सारे भयावह हमलों की हम घोर निंदा करते हैं और महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्टर से ये मांग करते हैं कि यदि आपकी मुंबई की पुलिस
इस कार्रवाई को रोकने में सक्षम नहीं है तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को पिछले 5 महीने में 3 सीपी बदले वापस पुलिस दल का पुनर्गठन करना पड़ेगा। इस तरह से ऐसी घटनाओं को और चला के लिया नहीं जा सकता है। हम आने वाले समय में मुंबई की जनता को आह्वान करना चाहते हैं कि आप इन सब घटनाओं की निंदा करें। लोकतंत्र रहेगा तो राजनीतिक पार्टियां भी रहेगी, प्रेस की स्वतंत्रता भी रहेगी और सार्वजनिक व्यक्ति का सम्मान भी रहेगा। आज मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। जो कुछ बंगाल में किया गया उसको मुंबई के अंदर अजमाने की कोशिश वापस की जा रही है। राज्यसभा चुनाव में एमवीए को मिले झटके के बाद सभी दल सावधानी बरत रहे हैं। जहां सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भाजपा तीसरी सीट निकालने में सफल रही, शिवसेना और राकंपा अपने सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन भाजपा अपने दम पर केवल 4 सीटें ही जीत सकती है। उसे अपने 5वें उम्मीदवार की जीत के लिए निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। कांग्रेस अपनी 1 सीट जीत सकती है, लेकिन उसे अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता होगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना नेता अनिल देसाई ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों को राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में 20 जून को होने वाले चुनाव और मतदान प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाले सावधानियों के बारे में सामान्य निर्देश दिए गए। देसाई ने कहा कि सभी निर्दलीय विधायक और छोटे दल महाविकास अघाड़ी का समग्र रूप से समर्थन कर रहे हैं। बैठक को शिवसेना सांसद विनायक राउत और अनिल देसाई, एमवीए सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे और अनिल परब और पार्टी नेता सुनील प्रभु ने संबोधित किया था। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।